स्वागत है आपका आज मेरे चैनल हरि दर्शन विद बिलजीत में। और आज मैं दिल्ली के मयूर विहार में स्थित उत्तरा गुरु वायूरप्पन टेम्पल में आया हूँ। बेहद ही खूबसूरत है दिल्ली का यह मंदिर। रोज शाम मिट्टी के दियों से जगमगाता यह परिसर रात में बहुत ही कमाल का लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको अंदर से भी, यहीं से करेंगे हम एंटर। एंटर करते ही सामने ये छोटी सी एक मार्केट है, यहाँ से आप जो भी लेना चाहें, अगरबत्ती वगैरह जो भी यहाँ पे सामग्री है यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ से ये देख सकते हैं यहाँ की आर्ट, बड़ी कमाल की आर्ट है। ये देखिए अंदर, बिल्कुल इनसाइड तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं है यहाँ पे पिक्चर लेना, लेकिन बाहर से मैंने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको कवर किया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। चलते हैं यहीं से अंदर, यहीं से अंदर आके सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो पूजा का सामग्री है यहाँ से लिया और सामने अंदर एंटर होके मैंने पूजा कराई। और ये देख सकते हैं यहाँ की आर्ट कितनी खूबसूरती के साथ इस टेम्पल को बनाया गया है। मुझे लगता है ऐसा टेम्पल यहाँ पे दिल्ली में आपको जल्दी देखने को मिलेगा नहीं। और ये दिल्ली के मयूर विहार पॉकेट एक मेट्रो स्टेशन के पास एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। इसमें श्री पुत्र गुरु वायु रप्पन विराजमान है, जिन्हें भगवान विष्णु के रूप में माना जाता है। इनकी पूजा मुख्य रूप से केरल में की जाती है। इस मंदिर का निर्माण 17 मई 1983 में हुआ था। तब से यहाँ दक्षिण भारतीयों के साथ साथ उत्तर भारत के श्रद्धालु भी आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की सुंदर छवि के दर्शन करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इस टेम्पल को, खूबसूरत लगता है ये रात के टाइम, इसलिए मैं रात को स्पेशली इसको शूट करने के लिए आया। कि बताया जाता है कि दिए जब जलते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है इस टेम्पल को देखने में। और ये मैं ये भी बताना चाहूँगा ये कौन है श्री उत्तरा गुरु वायूरप्पन। गुरु वायूरप्पन को उनके बाल रूप में श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें गुरु वायूर उन्नीकन्नन गुरु वायूर बेबी कृष्ण के नाम से जाना जाता है। गुरु वायूरप्पन शब्द जिसका अर्थ है गुरु वायूर का भगवान गुरु शब्द से आता है, जो देवों के गुरु बृहस्पति, वायु मतलब हवा और अपन मतलब देवता, जिसका अर्थ है पिता या भगवान। मलयालम में चूंकि गुरु और वायु ने कृष्ण की मूर्ति स्थापित की थी, इसलिए देवता को गुरु वायूरप्पन नाम दिया गया था। और यहाँ से ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एक मंडाला महोत्सव चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप ले लिया, अच्छा लगेगा आपको देख के। यहाँ से देख सकते हैं दिल्ली के इस मंदिर में आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि हम जैसे किसी दक्षिण भारत के मंदिर में आ गए हैं, क्योंकि यह मंदिर दिल्ली में स्थित सभी मंदिरों में से भिन्न है। यह दक्षिण भारत मंदिरों जैसे है। यहाँ पर शाम को दीवारों पर मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, जिसे देख श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पंडित होते हैं वह भी दक्षिण भारत से ही होते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ विधि आरती सभी दक्षिण भारत के मंदिरों जैसे होती है, इसलिए यहाँ पर दक्षिण भारत की पूरी झलक दिखती है। और यहाँ से ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ये रामायण पाठ चल रहा था, तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे क्लिप ले लिया। उत्तरा गुरु वायूरप्पन मंदिर में पहुंचने के लिए आपको मयूर विहार पॉकेट एक मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा। मेट्रो स्टेशन से इस मंदिर की दूरी मात्र 300 मीटर है। और यहाँ से देख सकते हैं यह है गुरुकुल, जहाँ पे बच्चों को म्यूजिक क्लास दी जाती है। टेम्पल के ठीक बैक साइड पे इसको बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। और मैंने पूरे टेम्पल को कवर करने की कोशिश करी है, पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी।
और यहीं से मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।